नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपशगुन के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं, जैसे झाड़ू का क्या अपशगुन होता है, नए घर में पुराना झाड़ू ले जाना अपशगुन होता है, इसके अलावा उल्टा झाड़ू रखना भी अपशगुन माना जाता है। नंबर 3, झाड़ू पर पैर रखना अपशगुन माना जाता है, इसका अर्थ है घर की लक्ष्मी को ठोकर मारना। यदि कोई छोटा बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लगे तो अनचाहे मेहमान घर में आते हैं। 5, अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू लगाना अपशगुन होता है, इससे घर में दरिद्रता आती है। 6, किसी के बाहर जाते हुए तुरंत झाड़ू लगाना अपशगुन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूध से क्या क्या अपशगुन होते हैं, जैसे नंबर 1, दूध का बिखर जाना अशुभ होता है। नंबर 2, सपने में दूध दिखाई देना भी अशुभ माना जाता है, इस स्वप्न में स्त्री संतानवती होती है। 3, बच्चों का दूध पीते ही घर से बाहर जाना अपशगुन माना जाता है। पशुओं से होने वाले अपशगुन के बारे में कुछ बातें इस प्रकार से है, जैसे नंबर 1, कुत्ता मकान की दीवार खोदे तो चोर का भय होता है। इसके अलावा यदि कुत्ता घर के व्यक्ति से लिपटे अथवा कारण भोंके तो बंधन का भय उत्पन्न होता है। नंबर 2, किसी कार्य या यात्रा पर जाते समय कुत्ता बैठा हुआ हो और वह आपको देखकर चौंके तो विन्न हो जाता है। किसी कार्य पर जाते समय घर से बाहर कुत्ता शरीर खुजलाता हुआ दिखाई दे तो कार्य में असफलता मिलेगी या बाधा उपस्थित होगी। 3, यदि कीचड़ से सना हुआ कानों को फड़फड़ाता हुआ दिखाई दे तो संकट उत्पन्न होने का संकेत होता है। 4, आपस में लड़ते हुए कुत्ते दिख जाए तो व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो सकता है। इसके अलावा शाम के समय एक से अधिक कुत्ते पूर्व की ओर अभिमुख होकर क्रंदन करें तो इसका अर्थ है कि नगर या गाँव में भयंकर संकट आने वाला है। यदि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशगुन होता है, व्यक्ति का काम नहीं बनता है, उससे कुछ कदम पीछे हटकर आगे बढ़ना चाहिए। यदि सोते समय अचानक बिल्ली शरीर पर गिर पड़े तो अपशगुन होता है। इसके अलावा बिल्ली का रोना, लड़ना व छींकना भी अपशगुन माना जाता है। सूखे पेड़ या सूखे पहाड़ पर तोता बोलता नजर आए तो भय होता है, यदि सामने बोलता दिखाई दे तो बंधन दोष होता है। बत्तख जमीन पर बाईं तरफ बोलती है तो अशुभ होता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी जो आज हमने आपको दी है। हमारी ऐसी ही अन्य जानकारियों को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।